नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज वर्ल्ड इंडिया। आपके साथ मैं हूं काजोल नारायण। शुरुआत करेंगे यूपी फटाफट की। आगरा में सुबह नेशनल हाईवे पर ओवर स्पीड के चलते बड़ा हादसा हो गया। चालक को नींद आने के चलते ये हादसा हुआ। सूचना पर पहुंची स्थानीय पुलिस ने घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया। थाना एतमादपुर क्षेत्र के बरहन तिराहे का यह मामला। आगरा में बैंक लूट का सीसीटीवी फुटेज सामने आया। सीसीटीवी फुटेज में पिस्टल के बल पर मैनेजर के कैबिन में स्टाफ सहित ग्राहकों को बंधक बनाया गया। इसके साथ ही पिस्टल के बल पर दूसरा साथी कैश काउंटर से लूट कर रहा था। आगरा के थाना इराद नगर क्षेत्र के खैरिया स्थित कैनरा बैंक में लूट की घटना को बदमाशों ने अंजाम दिया। औरैया में एक बार फिर से दिल दहला देने वाला हादसा हुआ। हादसे में चार लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। दरअसल वैगनर गाड़ी और ट्रक में भिड़ंत के बाद यह हादसा हुआ। आगरा से कानपुर की तरफ ये गाड़ी सवार जा रहे थे। जालौन में मौसम का मिजाज बदला है। जहां हल्की बारिश के साथ ओले गिरे, वहीं ओले गिरने से किसानों के चेहरों पर मायूसी छा गई है। बदलते मौसम से किसानों की मटर, मसूर, चना, गेहूं की फसल में नुकसान हो सकता है। फर्रुखाबाद में दबंगों ने पुलिस सिपाही के साथ लाठी डंडों से जमकर मारपिटाई की। मारपिटाई से सिपाही घायल हो गया। घायल सिपाही थाना कमालगंज में तैनात है। थाना पुलिस ने सीएचसी में उसे भर्ती कराया। पुलिस लाइन के बाहर दबंग ने दौड़ा दौड़ाकर लाठी डंडों से कोतवाली फतेहगढ़ क्षेत्र का ही पूरा मामला बताया जा रहा है, जहां पर सिपाही को पीटा गया। चंदौली के मुबारकपुर मजराती गांव आजादी के बाद भी आज तक आवास, शौचालय, पेयजलापूर्ति, सड़कें, अस्पताल, बच्चों की शिक्षा जैसी महत्वपूर्ण सुविधाओं से वंचित है, जिससे ग्रामीण परेशान हैं और लगातार अधिकारियों के चक्कर काट रहे हैं। नोएडा के जिला अस्पताल से कैदी के फरार हो जाने से अस्पताल में हड़कंप मच गया। दरअसल इस आरोपी ने 4 साल के मासूम की हत्या की थी, जिसके बाद देर रात सूरजपुर थाना क्षेत्र में हुई मुठभेड़ में बदमाश घायल हुआ था। फिलहाल पुलिस टीम गठित कर अपराधी की तलाश कर रही है। संभल में चोरों ने देशी शराब की दुकान को निशाना बनाया। बेखौफ चोरों ने दुकान में रखी 25 शराब की पेटियों पर हाथ साफ कर दिया। सुबह दुकान खोलने पहुंचे सेलमैन ने पुलिस को जानकारी दी। तहरीर मिलने के बाद पड़ताल में जुटी पुलिस। संभल के थाना धनारी क्षेत्र का ही पूरा मामला। आगरा के डॉक्टर्स की लापरवाही के चलते पथरी के ऑपरेशन करवाने आई महिला की मौत हो गई, जिसके बाद रामबाग स्थित जेडी अस्पताल में बवाल हो गया। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और जांच में जुट गई है। थाना एतमादोला इलाके का ही पूरा मामला। संभल में डीएम अविनाश कृष्ण के स्थानांतरण के बाद जिले की कमान नए जिलाधिकारी संजीव रंजन ने संभाली। उन्होंने कलेक्ट्रेट पहुंचकर कार्यभार ग्रहण किया। संजीव रंजन संभल में 14वें जिलाधिकारी के रूप में कार्य करेंगे। इस दौरान डीएम संजीव रंजन ने कहा कि आधारभूत सुविधाएं विकसित कराने की कोशिश रहेगी, ताकि जनपद का संचालन बेहतर तरीके से हो सके। हापुड़ में पति पत्नी के विवाद में दोनों पक्ष आमने सामने आ गए, जिसके बाद जमकर पथराव हो गया, जिसमें चार लोग घायल हो गए। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर 5 लोगों को हिरासत में लिया है। थाना देहात क्षेत्र के कोटला सादत का ही पूरा मामला। रामपुर तहसील शादाबाद में वाद सुनवाई में तारीख को लेकर तहसीलदार और सीनियर अधिवक्ताओं में नोकझोंक हो गई। मामले की जानकारी के बाद अधिवक्ताओं में काफी गुस्सा देखने के लिए मिला और सभी अधिवक्ता एकजुट होकर तहसीलदार के विरुद्ध लामबद्ध हो गए। उत्तर प्रदेश के सीधी जिले में बस अनियंत्रित होकर नहर में गिर जाने से बड़ा हादसा हो गया। इस हादसे में लगभग 38 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई है, जिसके बाद सीएम शिवराज सिंह चौहान ने मृतकों के परिवार को 5 लाख की आर्थिक मदद की बात कही। फर्रुखाबाद में धूमधाम से मनाया जा रहा बसंत पंचमी का त्यौहार। बसंत पंचमी पर पतंगबाजी कर रहे लोग, जिसकी तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है, जहां महिलाएं भी पतंगबाजी कर ये त्यौहार मना रही हैं। बता देंगे, फर्रुखाबाद शहर सदियों से पतंगबाजी के लिए मशहूर है। टोल प्लाजा पर पूरे देश में 16 फरवरी से अनिवार्य हुए फास्टैग के बाद कोखराज टोल प्लाजा पर फास्टैग नहीं लगाए हुए वाहनों से दोगुना चार्ज वसूलना शुरू कर दिया गया। कोखराज टोल प्लाजा के सीनियर टोल मैनेजर जेपी चतुर्वेदी ने बताया कि वाहन चालकों को पिछले कई महीनों से फास्टैग के लिए जागरूक किया जा रहा है। महोबा में श्रद्धालुओं से भरी ट्रैक्टर ट्रॉली पलटने से बड़ा हादसा हो गया, जिसमें 2 दर्जन से अधिक महिलाएं, बच्चे, बुजुर्ग बुरी तरह से घायल हो गए। ग्रामीणों की मदद से सभी घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उनका इलाज जारी है। और यूपी फटाफट में फिलहाल के लिए इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप बने रहिए न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया के साथ।